देखो पूरा बर्फ जम चुका है एकदम। क्या बन रहा है इसमें खाना? गर्म हो रहा है पानी मॉर्निंग फ्रॉम चोपता। अभी का टाइम वैसे हो रहा है 5 और हम लोगों को निकलना था 4 बजे। कल रात को बारिश भी हुआ था, थोड़ा बहुत स्नो टाइप हुआ था लेकिन एग्जैक्ट स्नो नहीं था वो। जो भी हो तो अभी निकलने वाला है 5-10 मिनट में। घड़ी तो मैंने पहना नहीं आज क्योंकि घड़ी जो है वो घर पे छोड़ दिया रूम पे ही। तो जो भी होगा इस चलो चलते हैं, पहले तो एक कप चाय ले लेते हैं, उसके बाद सीधा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से मिलते हैं आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। ये हमारा चाय आ गए, हर हर महादेव। दिस टाइम फॉर सनराइज और बर्फ दिखने स्टार्ट हो चुका है और एज यू कैन सी सामने पूरा माउंटेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिमालयंस रेंज दिखाई दे रहा है। इधर भी सेम, अभी थोड़ा सा और उजाला होने दो, उसके बाद असली जो व्यू है वो निकल के आएगा। अभी से देख रहे हो इतना स्नो है, अभी 500 मीटर भी हुआ नहीं, तो आगे सोच सकते हो कितना स्नो और बर्फ़ मिल सकते हैं हम लोगों को। चलते चलते रास्ते में भी बर्फ़ मिल रहा है हम लोगों को, तो पिछले वाले जो वो वाला जो था उसमें भी बहुत बर्फ़ था, अभी इसमें तो पूरा रास्ते में बर्फ़ है और आगे तो शायद पूरा बर्फ़ में ही चलना होगा। जस्ट हैव ए लुक एंड सी द माउंटेन्स। अब बहुत दूर जाना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे और सांस बहुत फूल रहे। तो ये सब जो आप लोग छोटे छोटे घर देख रहे होगे, ये जो अभी तो विंटर सीजन है और स्नो पूरा गिरा हुआ है इसीलिए कोई रहता नहीं है। बाकी अगर आप मई जून में आओगे, मतलब जून जुलाई ये सब महीने में अगर आओगे तो यहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएगा आप लोगों को खाने पीने के लिए। और अभी दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मैं और सौरभ और पीछे से कुछ बंदे आ रहे हैं और एक चीज़ इधर से दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये जो स्नो है ऊपर वाला ये कल रात को ही गिरा है और नीचे वाला जो है ये हार्ड वाला ये जम चुका है, ये 2 दिन पहले गिरा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो टूट रहा है, ये आइस नहीं है, स्नो है और आइस जो होता है वो पूरा एकदम जम जाता है ये। और ऊपर तक हम लोगों को बहुत जाना है, वो एकदम चोटी पे जाना है, उसके बाद पीछे से और एक चोटी कवर करके तुंगनाथ जी बाबा का दर्शन होगा हम लोगों को। जो सूरज का किरणें है कैसे लेज़र की तरह एकदम माउंटेन्स पे गिर रहा है, एकदम सामने देखो पूरा एकदम सूरज का रश्मि जो आ गया है, अभी इधर आना बाकी है और क्या ही चमक आ रहा है भाई माउंटेन्स आगे का, लग रहा है मतलब अलग ही। तो आगे एक मयूर जा रहा है, ड्रोन शॉट में भी आया था ये मयूर, बहुत देर से घूम रही है यहाँ पर, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो डर रहा है थोड़ा बहुत, देख रहे हो आप लोग।
जब उड़ रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतना ठंड में भी ये है यहाँ पर, देख रहे हो उड़ गया। हर हर महादेव। तो फाइनली पहुंच चुके हैं और जो सामने है वो है महादेव का दर्शन। तो चलो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो गिरा है क्योंकि ये टॉप है और सामने ही मंदिर है बाबा का। दर्शन तो अभी कपाट बंद है लेकिन बाहर से दर्शन करना होगा। तो जो भी हो दर्शन मिल रहा है यही बहुत है। यहाँ तक आ पाए सब बाबा का कृपा है। सो फाइनली मंदिर आ गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव। तो गाइस ये रहा बाबा का मंदिर और अभी तो कपाट बंद है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। इसको छोटा केदारनाथ भी बोला जाता है। तो देख सकते हो कितना सुंदर प्लेस है और एक चीज़ यहाँ पर कोई नहीं है। देख लो अगर सीजन में आते तो ये सब रहने का खाने का सब बंदोबस्त रहता है और बहुत अच्छे से दर्शन भी होता है बाबा का। तो एक बार बाबा का जो मेन द्वार है वहाँ तक जाते हैं। तो समा करना, जूता पहन के जा रहा हूँ। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय हो। Yeah.
भूतनाथ टेम्पल और जस्ट सामने ही तुंगनाथ टेम्पल है, दर्शन कर लेते हैं। देख लो कितना बर्फ जमा है, टूट रहा है ये एकदम नुकीला।